हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब शंकर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो फ्रेंड्स, बीआरओ में जो भर्ती निकल के आया है उसका फॉर्म फिलअप कैसे होगा आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा पूरी डिटेल के साथ। वीडियो आप पूरा देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स, आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा militaryabharti.com न्यू वेबसाइट है, आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हो। फ्रेंड्स, ये बीआरओ का ऑफिशियल वेबसाइट आप देख रहे हो हमारे स्क्रीन पर। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका नोटिफिकेशन, यहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सके। नहीं तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट militaryabharti.com और jobshankar.com, ये आप देख रहे हैं jobshankar.com हमारा ऑफिशियल दोनों वेबसाइट है, वहाँ से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला सारा अपडेट आपको मिल जाएगा अभी सबसे पहले। फ्रेंड्स, हमारे पास जो भी मिलेगा 100% रियल ही आपको जानकारी मिलेगा। ये आप देख रहे हो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, और फ्रेंड्स ये आप देख रहे हो हमारा जॉब संघ ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें नीचे आ जाना, आप देख रहे हो लेटेस्ट जॉब में दे दिए गया, यहाँ पे आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपके सामने डिटेल्स खुल जाएगा, ये आप देख रहे हो आपके सामने डिटेल्स खुल गया। तो फ्रेंड्स, सारा डिटेल्स मैं इससे पहले वाला वीडियो में आपको दे चुका हूँ, मैं जस्ट अभी फॉर्म फिलअप करके बताऊंगा फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका नोटिफिकेशन आप देख रहे हो एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2021 रहने वाला है। पोस्ट नेम देख रहे हो मल्टी स्किल वर्कर पेंटर, मल्टी स्किल वर्कर मेस वेटर, व्हीकल मैकेनिक, ड्राइवर मैकेनिक, ट्रांसपोर्ट ओजी का रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसमें टोटल 354 पोस्ट रहने वाला है, ये आप देख रहे हो। बाकी आप देख रहे हैं जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस टोटल कितना है, टोटल में आपको 354 पोस्ट आपको बता चुका हूँ, बाकी आप डिटेल सब चेक कर लेना। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक बार मैं बता दे रहा हूँ, मल्टी स्किल वर्कर पेंटर के लिए चाहिए 33 पोस्ट है, मैट्रिक पास चाहिए और पेंटर का आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए। एससीबीटी हो, नेशनल हो, आपका स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, दोनों चल जाएगा, ठीक है। मल्टी स्किल वर्कर मेस वेटर का 12 पोस्ट दिए, सिर्फ मैट्रिक पास ही चाहिए। व्हीकल मैकेनिक देख रहे हो 293 पोस्ट रहने वाले, मैट्रिक पास चाहिए और आईटीआई चाहिए, आप देख रहे हो, ठीक है। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट में 16 पोस्ट दिए गए, मैट्रिक पास चाहिए, इसमें हैवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये फॉर्म आपको ऑफलाइन के थ्रू ही आपको भेजना पड़ेगा। आप फ्रेंड्स, आप टेंशन मत लीजिए, ये इम्प्लॉयमेंट पेपर में आ चुका है, मैं आपको इसका इम्प्लॉयमेंट पेपर दिखा दे रहा हूँ, ये आप देख रहे हो। इसका इम्प्लॉयमेंट पेपर रहने वाला जो 4-10 दिसंबर 2021 का इम्प्लॉयमेंट पेपर में आउट हो चुका है, और इसका पेज नंबर 25 में इसका दे चुका है, आप देख रहे हो, मैं आपको सारा डिटेल बता रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है। ये आप देख रहे हो इसका पेज नंबर 25 है, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो ऊपर में आ जाना, पेज नंबर 25 दिया गया है, ये रहा पेज नंबर 25, तो इसमें दे चुका है, आप देख रहे हो। तो फ्रेंड्स, ये सबसे पहले हमारे पास ही आ चुका था भर्ती, अगर आपको चेक करना है तो हमारे इससे पहले वाले वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं बीआरओ का, कब मैं डाला हूँ, सबसे पहले मैं ही डाला हूँ, ठीक है। तो ये आप टेंशन मत लीजिए, इम्प्लॉयमेंट पेपर में आउट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले ऑनलाइन पेमेंट कर लेना। जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए आप सबसे पहले जॉब संघ ऑफिशियल वेबसाइट चले जाना, इसमें आप सबसे नीचे आ जाना, यहाँ पे देखिए पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन फीस, इस पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये देख रहे हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये आपका खुल जाएगा, इस पे आप क्लिक कर देना, देख रहे हो यहाँ पे चेकआउट कर देना। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हो SBI का ये खुल गया, उसमें यहाँ पे टिक कर देना। टिक करने के बाद आपको पेमेंट के लिए आगे प्रोसेस जाना पड़ेगा, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आप देख रहे हो ये खुल जाएगा, ग्रिफ पुणे, आप देख रहे हो ग्रिफ सेंटर पुणे, और यहाँ पे पेमेंट्स आप देख रहे हो, इसमें आपका टिक करना होगा, किसमें, रिक्वायरमेंट फीस पे, रिक्वायरमेंट फीस क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपके सामने डिटेल्स खुल जाएगा, ये आप देख रहे हो ये आपका फीस का खुल गया। सबसे पहले आपका यहाँ पे नाम होगा, उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम, उसके बाद नेशनलिटी आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ कितना है, उसके बाद फोन नंबर यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा, फिर आपको एड्रेस करना पड़ेगा, और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टेट करना पड़ेगा कौन से स्टेट से है, उसका पिन कोड यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, और आधार नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, और एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, ये आप देख रहे हो हमारा एडवर्टाइजमेंट 02/2021, ये आपको यहाँ पे कर लेना है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर में यहाँ पे लिख देना है। फिर ट्रेड आपको कौन सी ट्रेड के लिए अप्लाई करो यहाँ पे मेंशन कर देना, मैं आपको एक बार एडवर्टाइजमेंट में लेके चलता हूँ, ये रहा नोटिफिकेशन इसका। तो इसमें आपको देख रहे हो यहाँ पे सीरियल नंबर पूछ रहा है, ठीक है, ये सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, आप किस में इंटरेस्टेड हो अप्लाई करना चाहते हो वो आप देख रहे हैं। मान लो आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं 2 नंबर में, मल्टी स्किल वर्कर मेस वेटर
के लिए, ठीक है। आप जनरल से या किसी से भी अप्लाई करना चाहता है यहाँ से आप चेक कर लेना। और उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है ना, आप देख रहे हो नाम मल्टी स्किल वर्कर मेस वेटर, ये आप यहाँ से देख के यहाँ पे लिख देना, ठीक है। ट्रेड में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा और अमाउंट कितना है, 50 रुपए का यहाँ पे अमाउंट आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। रिमार्क्स में आप कुछ भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद किनका अकाउंट से कट रहा है वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जैसे हो गया, मान लीजिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा अकाउंट नहीं है, या मैं अपना ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर रहा, मैं अपना फादर्स से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे उनका फादर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ये जो शो कर रहा है कैप्चर, यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद नहीं तो आप अपना नाम भी यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे बोला गया है ना, पर्सनल बैंकिंग के लिए, आपका पेमेंट के लिए, बाद में अगर मान लो अगर फीस पेमेंट नहीं होता है तो कट जाता है आपको अकाउंट से, तो आपको फिर ये चेकअप करने के लिए ये आपको पूछा जाता है, ठीक है। जो आप फिलअप करके दिया हो इस हिसाब से उन लोग चेक करके आपको बता दिया जाएगा कि हाँ आपका पेमेंट आ चुका है नहीं आ चुका। ज्यादातर ऐसा नहीं होता है तो आप दे दीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। ये अपना नाम भी डाल सकते हो, नहीं तो आप फादर्स का भी यहाँ पे डिटेल दे सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ ये आपको चाहिए, ठीक है, ये आपका नाम यहाँ पे चाहिए ये एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, और ये जो पेमेंट कर रहे हैं उनके लिए चाहिए, हाँ समझ गए। उसके बाद यहाँ पे डालने के बाद सबमिट कर देना। तो देख रहे हो फ्रेंड्स, ये फिलअप करने के बाद ऐसा आ जाएगा, आप देख रहे हो। उसके बाद कंफर्म कर देना, ये आप देख रहे हो कंफर्म कर दे रहे हैं। उसके बाद आपको पेमेंट करना है, रुपए कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड और अदर बैंक है तो इंटरनेट बैंकिंग यहाँ से कर सकते हो, फिर आपका इंटरनेट बैंकिंग SBI से कर सकते हो, UPI से भी कर सकते हो, NEFT, RTG से भी कर सकते हो, SBI ब्रांच से भी आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं भी रुपए कार्ड से मैं आपको फिलअप करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको कार्ड नंबर देना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे फिलअप कर रहा, आप देख रहे हो हमारे स्क्रीन पर, यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे अभी OTP देना पड़ा, जो आप बैंक से लिंक करके रखे हो फ़ोन नंबर, उस पर एक OTP आएगा, यहाँ पे आपको टाइप करना है, ठीक है। वो OTP यहाँ पे मैक पेमेंट मार देना आपको, ठीक है, मैक OTP डाल के मैक पेमेंट आपको कर देना है। उसके बाद आप देख रहे हो रिडायरेक्ट हो जाएगा, ये आपका हो गया, आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हो, ये हो चुका है आपको फीस पेमेंट, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे PDF है, इसे डाउनलोड करके आपको रख लेना, यहाँ पे क्लिक मारना, क्लिक करने के बाद आपके साथ डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये आप इसे प्रिंट आउट करके रख सकते हो, ये आप देख रहे हो, या सेव करके भी आप रख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं इसे सेव करके रख दे रहा हूँ, ठीक है, सेव कर दे रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मुझे काम आएगा, इसलिए मुझे इसे रख लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ BRO का, ठीक है, मैं सेव करके रख लिया हूँ। और ये हमारा आप देख रहे हो SBI कलेक्ट रिफ्रेश नंबर रहने वाला है, ये आप देख रहे हो हमारे स्क्रीन पर, ये आपको हर जगह में आपको यही पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसे आप रख लेना अच्छे से, और उसके बाद अभी फिर फॉर्म फिलअप कीजिए। कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे आप क्लोज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। ये आप डाउनलोड हो गया, इसे भी आप काट सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी इसका ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूंगा, इसका पे स्लिप आपको साथ में अटैच करके भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो आप प्रिंटर करवा लेना, पे स्लिप मैं आपको दिखा चुका हूँ, जो पेमेंट करने के बाद जो रिसीट निकला है उसे आप कॉपी आपको प्रिंट आउट करके बाय पोस्ट आपको भेजना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप मैं बता रहा हूँ, आप देख रहे हो हमारे स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, अभी फॉर्म फिलअप कैसे होता है मैं आपको डिटेल्स लेके चलता हूँ, उससे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन इसका दिखा देता हूँ और इसका कुछ जरूरी अपडेट है मैं आपको वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स, पहले डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाला है फ्रेंड्स, ये 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है ना, तो ये आपको 8 पासपोर्ट साइज बना के अपने पास रख लेना है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म में एक फोटो भेजना है और उसके बाद जो एक्नॉलेजमेंट कार्ड है आपको एक फोटो भेजना है, सिर्फ फॉर्म के साथ आपको 2 फोटो ही भेजना पड़ेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये इसका साइज रहने वाला है मैं आपको बता दे रहा हूँ, फोटो का साइज आपको बनाना पड़ेगा 4 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर, आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बनाना पड़ेगा जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाकी 8 फोटो बना के अपने पास रख लेना है। उसके बाद आपको जो ऑनलाइन जो फी पेमेंट करोगे उसका फी रिसिप्ट आपको भेजना पड़ेगा साथ में, प्रूफ ऑफ रेसिडेंट आपको भेजना पड़ेगा, एडुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देना पड़ेगा साथ में, जेरोक्स करके सारे डॉक्यूमेंट को आपको जेरोक्स करके सेल्फ अटेस्टर या गेजेट ऑफिसर से आपको अटेस्टर करके भेजना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ EWS सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हो तो देना, नहीं है तो आप मत देना, ठीक है। PH कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे उसके लिए है, अगर आपके पास है तो दे देना, नहीं तो आप मत देना। सारे डॉक्यूमेंट जेरॉक्स करके आपको सेल्फ या गेजेट ऑफिसर अटेस्ट करके आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका मैं लास्ट डेट बताने, जो कि इसका लास्ट डेट रहने वाला 17 जनवरी 2022, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, ये आप देख रहे हो, 4 दिसंबर 2021 से इसका ऑफलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आपको ऑफलाइन फॉर्म ही अप्लाई करना है। एज लिमिट आप 17 जनवरी 2022 तक आपको काउंट कर लेना है।
पेंटर या मैथ्स वेटर से अप्लाई करे तो लास्ट 25 साल होना चाहिए जनरल के लिए, ठीक है। ओबीसी के लिए एक्स्ट्रा 3 साल और एससी एसटी के लिए आपको 5 साल इसमें मिल जाएगा छूट, ठीक है। और व्हीकल मैकेनिक के लिए और ड्राइवर के लिए 18 से 27 साल जनरल के लिए है और ओबीसी एससी एसटी के लिए एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, इसमें छूट दिया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फीस सारे का 50 रुपया रहने वाला, आप देख रहे हो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 50 रुपया फीस रहने वाला है। एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए इसमें फीस नहीं लगेगा, पे आपको ऑनलाइन ही मोड आपको पे करना पड़ेगा। पे सारे डिटेल में बता दिया फ्रेंड्स, अभी मैं आपको फॉर्म कैसे फिलअप होता है, मैं आपको सबसे पहले इसका एप्लीकेशन फॉर्म की ओर आपको लेके चलता है। ये आप देख रहे हो इसका एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। तो फ्रेंड्स ये बीआरओ का एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से आप निकाल सकते हो। और ये जो फॉर्म है ना फ्रेंड्स, इसमें बताया गया आप देख रहे हो A4 साइज में आपको प्रिंट करवा लेना है बॉन्ड पेपर में, ठीक है, वो भी 75 GSM का, ठीक है, बॉन्ड पेपर। क्योंकि अभी नॉर्मल जैसे पेपर होता है ना हम लोग जैसे प्रिंट करवाते वो कौन सी कितना साइज होता है फ्रेंड्स पता है उसे, वो है 70 GSM 70 GSM का वो पेपर रहता है जो कि हम नॉर्मल प्रिंट आउट करवा लेते हैं। तो आपको एक कलर में प्रिंट आउट करवा लेना है, आपको कलर के साथ ही आपको भेजना पड़ेगा। अगर 75 GSM का बॉन्ड पेपर मिलता है तो आप दे देना, अगर किसी के पास नहीं है तो आप नॉर्मल पेज भी आप प्रिंट आउट करके आप भेज सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको जेरोक्स नहीं करना है, ठीक है, ये इसलिए मांगा गया है ना 75 GSM के लिए क्योंकि क्लियर रहना चाहिए, उनको समझ में आए। जिनके पास 75 GSM का बॉन्ड पेपर नहीं है और नॉर्मल पेपर भी दे सकते हैं, कलर में प्रिंट आउट करवा लेना, प्रिंट आउट करवा लेना, आपको जेरोक्स नहीं चलेगा, ठीक है। आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने के बाद कैफे में चला जाना, बोलना भैया मुझे इसे प्रिंट आउट करवा देना है, प्रिंट आउट करवा दीजिए, ठीक है। ये फ्रंट पेपर आप सब कलर ले लीजिएगा, बाकी सब जेरोक्स मतलब प्रिंट आउट ही करवाना है, जेरोक्स करने से चल जाएगा, ठीक है, लेकिन ये कलर आपको लेना पड़ेगा। तो ये फिलअप कैसे होता है मैं आपको बता दूंगा और उसके बाद इसका नोटिफिकेशन आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन रहने वाला है, आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सारा डिटेल इसमें दिया गया, आप जाके अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये इम्प्लॉयमेंट पेपर आउट हो चुका है, मैं आपको इम्प्लॉयमेंट पेपर दिखा दे रहा हूँ। अभी सैंपल फॉर्म फिलअप कैसे होता है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आप देख रहे हो, ये मैं कलर प्रिंट आउट करके आपको फिलअप करके बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये आप देख रहे हो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के लिए आर्मी का ही अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भारत सरकार के अंतर्गत में है, ठीक है, रक्षा मंत्रालय के अंदर में आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये जैसे कि अभी मान लो जम्मू कश्मीर हो गया और इस तरफ सिलीगुड़ी हो गया और उस तरफ अरुणाचल हो गया, जितना जो बॉर्डर के एरिया में लग रहा है ना, तो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इनका काम है रोड बनाने के लिए, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स ये आप देख रहे हो सिर्फ मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है और एडवर्टाइजमेंट नंबर देख रहे हो 02/2021 में दिया गया है और सारे ये प्रिंट आउट करवा के आपको सारे बोल्ड कैपिटल लेटर में आपको फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंट्रोल नंबर आपको छोड़ देना है, उसके बाद ये मैं आपको बता दिया बॉन्ड पेपर के लिए। और एक नंबर आपको सबसे पहले आपका पोस्ट का नाम लिखना है, कौन सी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो। मैं कर रहा हूँ मल्टी स्किल वर्कर मेस वेटर के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। दो नंबर सीरियल नंबर आपको देना पोस्ट एडवर्टाइजमेंट है, सीरियल नंबर क्या है मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन में दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो फ्रेंड्स मैं मल्टी स्किल वर्क के लिए अप्लाई कर रहा था, इसमें सीरियल नंबर यहाँ पे दिया गया, आप देख रहे हो सीरियल नंबर, ये दो यहाँ पे मेंशन कर देना एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है, ये 02 हो गया। और रिक्रूटमेंट सेंटर GRF सेंटर पुणे रहने वाला है और यहाँ पे फोटो लगा देना जो कि मैं आपको बता चुका हूँ 4 cm x 5 cm आपको बड़ा फोटो बना लेना है और उसके ऊपर कोई भी गेजेट ऑफिसर का अटेस्टेड करवाना पड़ेगा, ठीक है, उनका सिग्नेचर और डेट डाल के। और यहाँ पे है ना ये बॉक्स में आपका अपना नाम यहाँ पे मेंशन होगा, मतलब सिग्नेचर आपका सिग्नेचर यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्टर का यहाँ पे मत लेना या कोई भी गेजेट ऑफिसर का जो साइन है ना यहाँ पे मत लेना, यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से आप फिलअप करिएगा, ठीक है, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, बहुत समय दिया गया है लास्ट डेट का, तो आप टेंशन मत लीजिए, आराम से फिलअप कर लीजिएगा। 4 नंबर कैटेगरी आपको लिखना पड़ेगा, मैं कैटेगरी यूआर से अप्लाई करूँ तो यूआर लिख दिया हूँ, ठीक है। और 5 नंबर है वेटेज परसेंटेज मार्क्स आपको निकालना पड़ेगा, जैसे कि मेरा हो रहा है मैट्रिक में, मैं मैट्रिक का ही दे रहा हूँ, तो मैट्रिक में मेरा हो रहा है 88% प्लस या प्लस देख रहे हो और 10% मैं दे रहा हूँ मेरा NCCC सर्टिफिकेट है इसके लिए, ठीक है। इक्वल टू दोनों को आपको एड कर देना, एड हो रहा है मेरा 98% टोटल हो रहा है, ठीक है। मैं आपको इसका 5 का एडवर्टाइजमेंट के लिए और लेके चलता हूँ। फ्रेंड्स ये देख रहे हो वेटेज फॉर इशू ऑफ कॉल लेटर ओनली, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैं दिया हूँ ना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मेरे पास NCCC सर्टिफिकेट है तो इसके लिए मेरा 10% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ 10 एडिशनल क्लेम एज पर कॉलम 15, ठीक है। अगर आप फ्रेंड्स मान लो अगर आपका फादर्स है ग्रीफ में तो आपको 15% मिलेगा, NCCC के लिए 10% मिलेगा और NCCB सर्टिफिकेट के लिए आपको 5% को मिलेगा और सर्विंग ग्रीफ जो है ऑलरेडी सर्विस करे ग्रीफ का हायर पोस्ट के लिए उनके लिए 15% मिलेगा
मिलेगा और सोने एक्सर्विसमैन वालों के लिए इसमें 3% मिलेगा और स्पोर्ट्स जो है डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी जो खेले है स्पोर्ट के लिए उनको 5% मिलेगा और कैजुअल पेड लेबर जो CPL है उनके लिए 10% आपको इसमें मिलेगा एक्स्ट्रा। ठीक है तो फ्रेंड्स ये आप देख रहे हो 6 नंबर बिलिंग, अगर माइनॉरिटीज करे तो यस कर देना, अगर नहीं कर रहे तो यहाँ पे नो टिक, और उसके बाद फ्रेंड्स अगर यस कर रहे तो आप कौन सी हो इसमें मुस्लिम क्रिश्चियन सिख बुद्धिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है तो इस पे आप टिक कर देना। ठीक है आपको यस नो करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। 8 नंबर में आप देख रहे हो, 7 नंबर में अगर EWS से बिलोंग करे तो यस कर देना, नहीं है तो आप नो कर देना, अगर यस करोगे तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको साथ में भेजना पड़ेगा। 8 नंबर में देख रहे हो, 8 नंबर में देखो नेमो कैंडिडेट आपका यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, एक बॉक्स में एक लिखना पड़ेगा। ठीक है मैं अपना नाम लिख दिया हूँ जैसे कि आप देख रहे हो, और आपका मान लीजिए नाम के बाद में मिडिल नेम है तो एक गैप छोड़ के फिर मिडिल नेम लिख सकते हो, उसके बाद लास्ट नेम आपको लिखना है तो एक गैप छोड़ के यहाँ पे लास्ट नेम लिख सकते हो। ठीक है गलत मत कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फादर्स नेम में ही आपको सेम ही लिखना पड़ेगा, आप देख रहे हो। डेट ऑफ बर्थ लिख देना, मेरा डेट ऑफ बर्थ 10/8/2001 रहने वाला, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ अपने हिसाब से लिख देना। 11 नंबर आपका परमानेंट होम एड्रेस लिखना पड़ेगा पिन कोड के साथ, मैं अपना लिख दिया हूँ आप देख रहे हो, विलेज पोस्ट ऑफिस उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अब यहाँ पे स्टेट और पिन यहाँ पे मेंशन कर देना, और 12 नंबर में भी आप मेंशन कर देना एड्रेस क्या रहने वाला, अगर नहीं है तो आप सेम ही लिख देना। ठीक है नहीं तो आप टू लिख के आगे बढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो 13 नंबर सीरियल नंबर में आ जाना, आप देख रहे हो एप्लीकेशन फी डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा, नेम और बैंक कौन सी बैंक से आप पेमेंट किए हो, तो मैं SBI से किया हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो SBI यहाँ पे लिख दिया शॉर्ट में, और ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा फ्रेंड्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, पेमेंट करने के बाद फ्रेंड्स एक रिसिप्ट मिलेगा, ये आप देख रहे हो आपके सामने ये रिसिप्ट रहने वाला है SBI देख रहे ग्रीफ पुणे, आप देख रहे हो 7/7/2021 को मैं इसका फिर रिसिप्ट कटवा चुका हूँ, ये आप देख रहे हो फ्रेंड्स SBI कलर रेफरेंस नंबर ये रहने वाला है, ये आप रेफरेंस नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना, यहाँ पे मेंशन कर देना रेफरेंस नंबर। ठीक है ऑनलाइन जो पेमेंट रिसिप्ट है, और ये रिसिप्ट आपको साथ में जेरोक्स करके अटैच करके भेजना पड़ेगा। ठीक है और कैटेगरी देख रहे हो, और ट्रांजेक्शन डेट कितना है फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आप देख रहे हो ये 7/2021 का ट्रांजेक्शन डेट रहने वाला है। ठीक है मैं ट्रांजेक्शन डेट यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, ये आप देख रहे हो, और रुपीस कितना 50 का, ये आप देख रहे हो रुपीस 50 का मैं कटवा चुका हूँ। ठीक है और ट्रेड भी आप देख रहे हो, ये ट्रेड मल्टी स्किल वर्कर मैं बेटे के लिए कटवाया हूँ। ठीक है और ये आधार कार्ड ये सब पिन कोड सारा डिटेल फ्रेंड्स जो आप फिलअप करके वही रहेगा। हाँ उसके बाद फ्रेंड्स ये 14 नंबर आप देख लेना, 14 नंबर आप देख रहे हो पारा फॉरेस्ट में बताया गया, मैं आपको नोटिफिकेशन की और फिर लेके चलता एडवर्टाइजमेंट आ जाना, ये पारा फोर में आप देख रहे हो जैसे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा भी पूछा गया ग्रीफ वार्ड आर्मी वार्ड CPL PH के लिए, तो यहाँ पे आप मेंशन कर देना। ठीक है 14 नंबर में यहाँ पे आप मेंशन कर देना, मेरा नहीं है तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया। ठीक है 15 नंबर आप देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो एक्स सर्विस मैन के लिए है ये, यस नो आप लिख देना, आप ग्रीफ के लिए है यहाँ पे यस नो कर देना, फिर उसके बाद ब्रदर आपका भाई सर्विस कर रहा है ग्रीफ में आर्मी में जो यहाँ पे मेंशन कर देना, उसके बाद टिक कर देना, मतलब यस नो पूछ रहा है। ठीक है NCC 20 सर्टिफिकेट रहते हैं यहाँ पे यस नो कर देना, और C सर्टिफिकेट रहते यस नो कर देना, CPL है तो यस नो कर देना, JNK माइग्रेंट है तो यस नो कर देना, और स्पोर्ट्स मैन है तो यहाँ पे यस नो कर देना। ठीक है अगर यस है तो यहाँ पे आप देख रहे हो 50H। ठीक है अगर आप स्पोर्ट्स से हो यस, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 1 लेवल स्टेट के लिए, 2 डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, और 3 यूनिवर्सिटी के लिए, तो यहाँ पे 1, 2, 3 आप मेंशन कर देना, और आपको स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। ठीक है 16 नंबर ये आप देख रहे हैं एसएनसी क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन, हाँ आपका 10 पास है तो 10 पास आप दे देना, ईयर ऑफ पासिंग कब पास किया यहाँ पे मेंशन कर देना, बोर्ड यूनिवर्सिटी मेंशन कर देना, उसके बाद सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट आप मेंशन कर देना शॉर्ट में, जैसे मेरा हो गया इंग्लिश हिंदी मैथ्स SST साइंस और एडवांस ज्योग्राफी है, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। आउट ऑफ मार्क्स देख रहे हो मेरा 600 में से 530 मेरा मुझे मिला, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ 600 में से 530 मेरा मिल गया, टोटल 88% हो गया। ठीक है उसके बाद मार्कशीट आपको पासिंग सर्टिफिकेट आपको साथ में देना पड़ेगा। ठीक है उसका टेक्निकल एजुकेशन है तो यस कर देना, नहीं है तो आप नो लिख देना। 17 नंबर आप देख रहे हो अगर ड्राइवर के अप्लाई करो तो LMB HMB यहाँ पे मेंशन कर देना। ठीक है उसका 18 नंबर देख रहे हो टोटल एक्सपीरियंस आपके पास है तो यहाँ पे दे देना मेंशन कर देना। ठीक है नहीं है तब छोड़ देना, ये ओनली BRO लेबर के लिए है CPL एक्सपीरियंस वालों के लिए, यहाँ पे मेंशन कर देना। 20 नंबर आप डिक्लेरेशन पढ़ लेना अच्छी तरह से, प्लेस आप देख लेना, प्लेस आपका दे देना, डेट डाल देना, मेरा डेट हो रहा है मैं जिस डेट को अप्लाई, मैंने 7/12/21 को अप्लाई करने वाला था तो अप्लाई नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं है फीस उसी डेट को मैं कटवा चुका हूँ, मैं आज भेज दूंगा। ठीक है और यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेस लगा लेना और आपका यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा। ठीक है उसके बाद फ्रेंड नीचे आ जाना, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर ये देख रहे हो एडमिट कार्ड के लिए रहने वाला है, और सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे एक फोटो लगा देना, इसके ऊपर ना सेल्फ अटेस्टेड करना है, ना ही गैजेट ऑफिसर करना है, ना ही इस पे नाम कुछ नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपको यहाँ पे फोटो लगा देना है, और यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा, आप देख रहे हो नाम आपका फादर्स नेम और उसके बाद
विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपको मेंशन कर देना है पिन कोड के साथ में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा और यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये एडमिट कार्ड रहने वाला है, तो इतना ही आपको एडमिट कार्ड में करना था। मैं आपको सैंपल के लिए एक बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग फिर कन्फ्यूज हो जाओगे कि सर ये मैं फर्स्ट में किया अटेस्टेड और एडमिट कार्ड में नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा, कैसे है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए, मैं इससे पहले वाला जो भर्ती हुआ था मैं उसका एडमिट कार्ड आपको एग्जाम्पल के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख रहे हो फ्रेंड्स, सेम ही रहने वाला। ये स्टोर कीपर के लिए टेक्निकल का था एक बंदे का, एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो 01/2021 देख रहे हो। ये मैं रोल नंबर मिटा दिया हूँ, ये देखो इनका जैसे कि लगा हुआ है एक फोटो, इसके ऊपर आपको ग्रिफ मतलब ऑफिस के तरफ से स्टाम्प लगा के आपको भेजा जाएगा, ठीक है। ये आप देख रहे हो इनका 31 अक्टूबर 2021 का एग्जाम था, केवी खानापुरा गुवाहाटी में ही। तो फ्रेंड ज्यादातर आशा है गुवाहाटी में ही होगा, ठीक है। अभी जो फिलअप करे उसका भी गुवाहाटी में ही होगा। और यहाँ पे जैसे देख रहे हो पूरा फिलअप किया हुआ था, नाम वाम था, सिग्नेचर ये था, आप देख रहे हो यहाँ पे ऑफिसर का साइन होके भेजा था। देख आरओ कॉल फॉर कमांडर देख रहे हो, आरओ कॉल फॉर कमांडर यहाँ पे दिया गया। तो फ्रेंड्स यही एडमिट कार्ड रहने वाला था, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता दिया हूँ, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स ये मैं बता चुका, बाकी एससी एसटी आप वो फिलअप कर लेना, हाँ मेन यही चार फॉर्म रहने वाला है। और उसके बाद एस सी से आ रहे तो एस सी फिलअप कर देना, एस टी से आ रहे एस टी फिलअप कर देना, ई डब्ल्यू एस से आ रहे तो ई डब्ल्यू एस फिलअप कर देना, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये पेमेंट का भी बता चुका हूँ, ये पेमेंट का रिसीप्ट रहने वाला है, इसको आपको सेल्फ अटेस्ट करके सबसे पहले आपको यही भेजना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट जेरोक्स करके फॉर्म फिलअप कर लेना, फॉर्म के बाद में आपको ये सबसे पहले जेरोक्स, उसके बाद मार्कशीट 10 का 12 का जो अपने हिसाब से दे देना, एक्सपीरियंस डेट ऑफ बर्थ सारे लगा देना वॉइस, ठीक है। और ये आपको सेल्फ अटेस्ट करके भेजना पड़ेगा। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको इसका फर्स्ट एनवलप मैं बता दे रहा हूँ, ये आप देख रहे हो इसका फर्स्ट एनवलप रहने वाला है, जो आप भेजोगे इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स डाल के ये रहने वाला है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टी स्किल वर्कर मैस वेटर, कैटेगरी आपको लिख देना, कैटेगरी यूर लिख दिया, मैं यूर से अप्लाई करता हूं, यूर लिख दिया, परसेंटेज आपको लिखना पड़ेगा, मेरा परसेंटेज 88% है, मैं यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद रजिस्ट्री पोस्ट के थ्रू आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। टू कमांडर ग्रिप सेंटर दिघी कैंप पुणे 411015 पे आपको भेज देना पड़ेगा, ये फर्स्ट का एनवलप रहने वाला, ठीक है। तो फ्रेंड्स अंदर में आपकी मर्जी है, अंदर के एनवलप आपको लगा सकते हो, 10 रुपए स्टाम्प लगा के आप भेज सकते हो, नहीं भी भेजना तो आपको चल जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन ही आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। बाय पोस्ट के थ्रू आपको भेज दिया जाएगा ऑफिस अपने तरफ से, ठीक है। एडमिट कार्ड जो आप ये दोगे ना, ये जो एडमिट कार्ड आप भेजोगे ये वाले, ये ऑफिस के थ्रू ही जो एक्सेप्ट किया जाएगा उनको आपको ऑफिस के थ्रू भेजा जाएगा, और ऑनलाइन भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स सारा डिटेल इस वीडियो में बता ही चुका हूँ, अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड्स ये militaryvartin.com हमारा न्यू वेबसाइट है, इस पे विजिट करते रहिए, सारा डिटेल इसमें भी मिलते रहेगा आपको टाइम टू टाइम, ठीक है। और ये jobsankar.com हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे भी विजिट करते रहिए, इस पे आपको मिलते रहेगा टाइम टू टाइम। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करिए, ऐसे नई नई भर्ती आपके लिए सबसे पहले लेके आते रहूंगा। तो ओके फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।